लड़के को जानते, बहुत तगड़ा मारता सुधा जी। स्वागत नहीं करोगे? हाँ तो देखो, T20 वर्ल्ड कप के ट्रॉफी को उठाने के टाइम हमारे रोहित शर्मा सर ने जो सेलिब्रेशन किए हैं, बस उसी सेलिब्रेशन के दिन गरीना हमारे गेम के अंदर बहुत ही जल्दी एक न्यू इमोट लाने वाला, जो कि ऑफिशियली कंफर्म भी हो चुका है। पर देखो इस वो इमोट कौन सा रहेगा और हमारे गेम के अंदर आप लोग को कब नहीं कौन सा डेट को कौन सा इवेंट में देखने को मिलेगा, अगर आप लोग भी जानना चाहते तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। क्योंकि गाइस ये वीडियो के अंदर तो मैं आप लोग को इमोट का रिव्यू करके दिखा दूंगा, पर उसी के साथ आप लोग को ये भी बता दूंगा ये इमोट आप लोग को कब नहीं कौन सा डेट को कौन सा इवेंट में हमारे गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। और गाइस बाकी ऐसे ये वीडियो के अंदर मैं आप लोग को गोल्ड एक्सचेंज करके मिलने वाला कुछ रिवॉर्ड्स के साथ हमारे गेम के अंदर रिटर्न आने वाला कुछ रिवॉर्ड्स के बारे में बताने वाला। तो देखो इस आप लोग बस ये वीडियो बिना स्किप करके लास्ट तक जरूर देखना। और बाकी देखो अगर आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और चलो गाइस बिना कोई टाइम वेस्ट करके सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो चलो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं सबसे पहले हमारे गेम के अंदर रिटर्न आने वाला कुछ रिवॉर्ड्स के बारे में। मतलब गाइस कब नहीं कौन सा डेट को कौन सा न्यू इवेंट आएगा और ये इवेंट में आप लोग को कौन कौन सा रिवॉर्ड्स रिटर्न देखने को मिलेगा, चलो आप लोग को बहुत सारे रिवॉर्ड्स और इवेंट का भी रिव्यू करके दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखो गेम के अंदर आप लोग को बहुत ही जल्दी ये वाला रिंग इवेंट देखने को मिलेगा, जिस रिंग इवेंट में आप लोग को ट्रैप स्पेशल आने वाला ये सारे रिवॉर्ड्स रिटर्न देखने को मिल जाएगा। मतलब गाइस आने वाला ये रिंग इवेंट में तो आप लोग को एक फीमेल बंडल देखने को मिलेगा और उसी के साथ आप लोग एक मेल बंडल तो देखने को मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पे देखो इसी रिंग इवेंट में आप लोग को ट्रैप स्पेशल आने वाला इमोट भी देखने को मिलेगा, वॉल स्क्रीन भी देखने को मिलेगा और प्रोफाइल एनिमेशन स्केटबोर्ड और एक कटाना का स्किन भी देखने को मिल जाएगा। मतलब गाइस हमारी गेम के अंदर ट्रैप स्पेशल जितने भी रिवॉर्ड्स आया था वो सारे रिवॉर्ड्स में से कुछ रिवॉर्ड्स आप लोगों को बहुत ही जल्दी आने वाले रिंग इवेंट में देखने को मिल जाएगा। मतलब गाइस अभी आप लोगों को स्क्रीन पे जो रिंग इवेंट देखने को मिल रहा है सेम ऐसी बहुत ही जल्दी हमारे गेम के अंदर आप लोगों को एक न्यू रिंग इवेंट देखने को मिलेगा, जिस रिंग इवेंट में आप लोगों को ट्रैप स्पेशल आने वाला ये सारे रिवॉर्ड्स रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो देखो पहले जब ट्रैप स्पेशल हमारे गेम के अंदर ये सारे रिवॉर्ड्स आया था तब अगर आप लोग ने नहीं निकाला था, पर आप लोग निकालना चाहते हो तो आने वाला ये रिंग इवेंट का वर्ड जरूर कर लेना। क्योंकि गाइस अभी मैं आप लोग को ये जो रिंग इवेंट का रिव्यू करके दिखा रहा हूँ ये वाला रिंग इवेंट आप लोग को हमारे गेम के अंदर बहुत ही जल्दी यानी इसी मंथ का लास्ट में देखने को मिलेगा, नहीं तो गाइस आप लोग को नेक्स्ट मंथ यानी अगस्त मंथ का 1 या 2 तारीख के दिन 100% देखने को मिल जाएगा। तो देखो अभी मैं आप लोग को ट्रैप स्पेशल हमारे गेम के अंदर आया हुआ जितने भी रिवॉर्ड्स का रिव्यू करके दिखाया वो सारे रिवॉर्ड्स में से अगर आप लोग कोई भी रिवॉर्ड्स निकालना चाहते तो हमारी गेम के अंदर आने वाला नेक्स्ट रिंग इवेंट का वर्ड जरूर कर लेना। और बाकी चलो गाइस अब वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, यानी हमारे गेम के अंदर रिटर्न आने वाला कुछ रियर गन स्किन के बारे में। तो गाइस कब नहीं कौन सा डेट को कौन सा न्यू इवेंट आएगा और ये इवेंट में आप लोग को हमारे गेम का कौन सा रियर गन स्किन रिटर्न देखने को मिलेगा, चलो आप लोग को ये बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखो ही वाला रिंग इवेंट जो कि आप लोग को हमारी गेम के अंदर अगस्त मंथ पे देखने को मिल जाएगा। और देखो इस अगस्त मंथ का एग्जैक्ट कौन सा डेट को देखने को मिलेगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा, पर उससे पहले यहाँ पे देखो हमारे गेम के अंदर आने वाला ये रिंग इवेंट में आप लोग को ये सारे M10 गन का स्किन रिटर्न देखने को मिल जाएगा। मतलब देखो अगर आप लोग में से कोई ओल्ड प्लेयर है आप लोग तो जानते होंगे बहुत ही पहले ये सारे गन स्किन हमारे गेम के इंक्यूबेटर में देखने को मिला था, और गाइस जब फाइनली गरेना ने ऑफिशियली 100% नहीं बल्कि 200% कंफर्म कर दिया बहुत ही जल्दी गेम के अंदर ऐसे एक न्यू रिंग इवेंट लाने वाला, जिस रिंग इवेंट में आप लोग को ये सारे M10 गन का स्किन रिटर्न देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग स्पिन करके भी निकाल पाओगे नहीं तो आप लोग टोकन एक्सचेंज करके भी निकाल पाओगे। और गाइस बाकी देखो सच बताऊं तो अभी के टाइम में मेरे पास इसमें से कोई भी M10 गन का स्किन नहीं है, तो गाइस बस इसलिए मैं तो ये रिंग इवेंट का पक्का वोट करूंगा। और गाइस बाकी देखो अगर अभी के टाइम में आप लोग में से किसी के पास इसमें से कोई भी M10 गन का स्किन नहीं पर आप लोग निकालना चाहते हो या आप लोग में से कोई ये सारे M10 गन का स्किन रिटर्न आने का वोट कर रहे थे जल्दी से खुश हो जाओ, क्योंकि गाइस फाइनली ऑफिशियली गरेना ने कंफर्म कर दिया नेक्स्ट मंथ आती यानी अगस्त मंथ आती आप लोग को 15 या 16 तारीख के दिन हमारे गेम के अंदर ये वाला रिंग इवेंट देखने को मिल जाएगा, जिस रिंग इवेंट में ये सारे M10 गन का स्किन 100% रिटर्न देखने को मिलेगा। तो देखो अगर आप लोग में से कोई इसमें से कोई भी M10 गन का स्किन निकालना चाहते तो हमारे गेम के अंदर आने वाला ये रिंग इवेंट का वोट जरूर कर लेना। और बाकी चलो गाइस अब वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, यानी गोल्ड एक्सचेंज करके मिलने वाला कुछ रिवॉर्ड्स के बारे में। मतलब गाइस वीडियो की स्टार्टिंग में तो आप लोगों को बोला था कि बहुत ही जल्दी आप लोगों को सिर्फ गोल्ड एक्सचेंज करने पर बहुत सारे रिवॉर्ड्स क्लेम करने को मिलेगा, तो चलो गाइस बस इसलिए आप मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को कब नहीं कौन सा डेट को सिर्फ गोल्ड एक्सचेंज करने पर कौन-कौन सा रिवॉर्ड्स क्लेम करने को मिलेगा। तो देखो आप लोग तो जानते होंगे बहुत ही जल्दी हमारे गेम के अंदर OB अपडेट यानी OB 46 अपडेट आएगा, तो गाइस बस
उसी ओबी 46 अपडेट आती है हमारी गेम के स्टोर भी अपडेट हो जाएगा, जिसके बाद आप लोग को स्टोर का बहुत सारा रिवर्ड सिर्फ गोल्ड एक्सचेंज करने पर क्लेम करने को मिल जाएगा। पर देखो वो सारे रिवर्ड कौन कौन सा रहेगा, चलो आप लोग को भी एक एक करके रिव्यू करके दिखा देता हूँ। तो देखो ओबी 46 अपडेट के बाद हमारी गेम के स्टोर जब भी अपडेट होगा तब आप लोग को सबसे पहले स्टोर का जितना भी पेट है वो सारे पेट आप लोग को गोल्ड एक्सचेंज करने पर क्लेम करने को मिल जाएगा। मतलब अभी के टाइम पे हमारे गेम के स्टोर में जितना भी पेट दिखने को मिल रहा है ये सारे पेट आप लोग को बहुत ही जल्दी यानी ओबी 46 अपडेट आती गोल्ड एक्सचेंज करने पर क्लेम करने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ओबी 46 अपडेट के बाद गेम के स्टोर में आप लोग को ये सारे गन स्किन भी देखने को मिल जाएगा, और गाइस ये सारे गन स्किन भी आप लोग को सिर्फ गोल्ड एक्सचेंज करने पर क्लेम करने को मिल जाएगा। जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे देखिए तो ये सारे गन स्किन में आप लोग को स्कर की स्किन भी देखने को मिलेगा, G18 गन का स्किन देखने को मिलेगा, UMP गन का स्किन देखने को मिलेगा, थॉमसन गन का स्किन देखने को मिलेगा, और ऐसे आप लोग को और बहुत सारे गन स्किन भी देखने को मिलेगा जो कि आप लोग सिर्फ गोल्ड एक्सचेंज करने पर क्लेम कर पाओगे। और गाइस बाकी देखो ये सारे गन स्किन तो कोई लेजेंडरी स्किन नहीं रहेगा, मतलब भाई ये सारे गन स्किन में तो आप लोग को एट्रीब्यूट भी इतना अच्छा खासा देखने को नहीं मिलेगा, और उसी के साथ ये सारे गन स्किन में आप लोग को कलर वगैरह भी इतना अच्छा खासा देखने को नहीं मिलेगा। पर देखो जो भी हो मेरे को तो गोल्ड के हिसाब से ये सारे गन स्किन ठीक ठाक ही लग रहा, पर देखो आप लोग को ये सारे गन स्किन कैसा लगा, और वो भी 46 अपडेट के बाद हमारे गेम के स्टोर में जब भी ये सारे गन स्किन आएगा तब आप लोग ये सारे गन स्किन गोल्ड से परचेस करोगे नहीं कमेंट पे जरूर बताना। और बाकी चलो गाइस अब वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में यानी हमारे गेम के अंदर आने वाले न्यू इमोट के बारे में। मतलब देखो आप लोग तो जानते होंगे वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला था कि T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को उठाने के टाइम हमारे रोहित शर्मा सर ने जो सेलिब्रेशन किया है बस उसी सेलिब्रेशन को लेके गरेना बहुत ही जल्दी हमारे गेम के अंदर एक न्यू इमोट लाएगा। तो गाइस वो इमोट कौन सा रहेगा चलो आप लोग को भी रिव्यू करके दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखो यही वाला इमोट जो कि हमारे गेम के अंदर आप लोग को बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा। और गाइस बाकी देखो अभी के टाइम पे ये इमोट का रिव्यू निकल के नहीं आया, पर गाइस यहाँ पे देखो अभी के टाइम पे अगर आप लोग फ्री फायर का ऑफिशियल इंस्टाग्राम में जाओगे तो आप लोग को ये वाला वीडियो देखने को मिल जाएगा, जिस वीडियो में अगर आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग को ये वाला इमोट देखने को मिलेगा। तो गाइस बस उसी इमोट आप लोग को बहुत ही जल्दी हमारे गेम के अंदर यानी 26 तारीख के दिन देखने को मिल सकता है। मतलब गाइस कल के दिन जब भी आप लोग गेम ओपन करोगे गेम ओपन करते आप लोग को हमारे गेम के अंदर ये वाला बैनर देखने को मिल सकता है, जिस बैनर पे क्लिक करते आप लोग को एक न्यू फेडरल इवेंट देखने को मिलेगा और उसी फेडरल इवेंट में आप लोग को ये वाला इमोट देखने को मिल सकता है। और गाइस बाकी तो अगर आप लोग ये वाला वीडियो 26 तारीख के बाद देख रहे हो या 26 तारीख के दिन ये वाला वीडियो देख रहे हो तो गाइस शायद आप लोग को ऑलरेडी हमारे गेम के अंदर ये वाला इमोट देखने को मिल चुका है। पर देखो अगर आप लोग ये वाला वीडियो 26 तारीख के बाद देख रहे हो फिर भी आप लोग को गेम के अंदर ये वाला इमोट देखने को नहीं मिला तो गाइस आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि गाइस भले आप लोग को 26 तारीख के दिन हमारे गेम के अंदर ये वाला इमोट देखने को नहीं मिला पर गाइस 5 या 6 दिन में गेम के अंदर आप लोग को 100% ये वाला इमोट देखने को मिल जाएगा। तो देखो अगर आप लोग भी ये वाला इमोट निकालना चाहते तो ये इमोट का वर्क जरूर कर लेना। और गाइस बाकी तो अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छा लग रहा और आप लोग अभी तक देख रहे हो पर लाइक करना भूल गए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लो, और अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो डेली देखना चाहते तो ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ये चैनल पे आप लोग को हमेशा ऐसा ही अपकमिंग अपडेट और अपकमिंग इवेंट रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। और गाइस बाकी देखो ये वीडियो के अंदर मैं आप लोग को जितने भी इवेंट के बारे में बताया वो सारे इवेंट के अलावा अगर आप लोग और कुछ इवेंट के बारे में जानना चाहते हो तो आज की वीडियो के कमेंट पे जरूर बता देना, क्योंकि ये वीडियो के अंदर आप लोग जो भी कमेंट करोगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को रिप्लाई दे दूंगा। और चलो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।